एंड रेलवे एग्जाम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल मेरा नाम है शिफाली राठौर और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस को टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत ठीक है सो so, इसके क्वेश्चन को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि एस एस सी सी जी एल जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बहुत धमाकेदार नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड हर एक जानकारी हर एक वीडियो हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है और गुड मॉर्निंग अगेन आज ये सब लोग एम का ऐप जरूर डाउनलोड करें बेटा अगर एम का ऐप आप आप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करें बहुत एक नई चीज जो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी वो है एस एस सीपीओ की बुक यस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एस एस सी सी पी ओ की बुक हमने एक लॉन्च करी है और ऐसा नहीं कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके रख लिया जैसे आप पी डी एफ के साथ करते हैं बल्कि ऐप पर आइए गोल सिलेक्ट करिए गोल सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर ये बुक निकालिए और इस बुक को निकाल करके क्वेश्चन अटैम्प करिए अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी लेकिन एक बार जाकर के बुक जो है वो ज़रूर देखिएगा फ्री अटैम्प्टे बुक कम्प्लीटली एस एस सी सी के लिए इस बुक को बनाया गया ठीक है अटैम्प्ट करने से क्या खासियत होगी वो ये बेटा कि आपको अपनी रियल टाइम प्रैक्टिस पता चलेगी मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन दिखा यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन आपका दिखा आपने वो क्वेश्चन अटैम्प किया ठीक है ये इस तरीके से दिखेगा आपने ये क्वेश्चन मान लीजिए अटैंप किया ये क्वेश्चन कितनी देर में अटैम्प किया इस क्वेश्चन के लिए कितना सही टाइम होना चाहिए था? ये सब कुछ आप हमारे इस एप्लीकेशन पर देख सकते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना नहीं है एक्टिव रहना है सीपीओ की बुक एक बार जाके जरूर करिए। तोता जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आ गए बच्चे आज मैंने बोला तो तुम लोगों से कि ट्यूसडे टू फ्राइडे आ, क्लास होती है सैटरडे संडे और मंडे का गैप होता है तुम लोग भाग जाओगे और देखो तुम लोग भाग गए कब कब कंटिन्यूटी लेकर आओगे कब ये सोचोगे कि हाँ आज क्लास है और आज पढ़ना है मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आइए चलिए बेटा अटेम करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक मिनट का वेट ले लेते अपन हेलो रवि जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप शेयर कर दो तो बेटा एक बार सेशन को ताकि बच्चे जुड़ जाए <coughs> कोई डाउट है रवि जी एंड तोता जी कोई डाउट हेलो सूरज गुड मॉर्निंग हाय चलिए बेटा स्टार्ट करें एनिमल किंगडम के क्वेश्चन को अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे ऐसा लगता है आधे से ज्यादा स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता है ये चैप्टर ठीक है तो जब भी कुछ चीज समझ में आए ना तो उसको छोड़ने से ज्यादा बेटर है कि उसके उसके क्वेश्चन क्वेश्चन कर कर लो लोगे तो फिर भी एक कही ना कहीं कहीं ना लगेगा कि हाँ टॉपिक है थोड़ा बहुत हेलो राजेश जी गुड मॉर्निंग प्लीज कम ओके चलिए रेडी स्टार्ट करें अपन सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से ओके okay. ये आप लोगों का शेड्यूल है एकदम सही शेड्यूल है, है ये सुबह जो क्लासेस स्टार्ट होती है बेटा वो आफरीन मैम से स्टार्ट होती है यानी कि करंट अफेयर ऑलमोस्ट वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर तो अब जैसा एसएससी का नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से भी अगर अपन बात करें तो आ, जीए का पोर्शन बहुत ज़्यादा आया है है ना ये जीए का पोर्शन उन्होंने मेंस में भी लाया है तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि करंट अफेयर का वेटेज जरूर इंक्रीज होगा तो करंट अफेयर आफीन मैम के साथ आप सुबह आठ बजे करिए अमित सर इंग्लिश यार हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है इंग्लिश में ऑलमोस्ट जनता को दिक्कत भी रहती है तो अमित सर के साथ आप इंग्लिश कवर करिए उन्हीं के बाद ग्यारह बजे जो है वो इकोनॉमिक्स का क्लास लेती है केवल मंडे को मैम ठीक है फिर उसके बाद ही आ जाती हूं मैं ग्यारह बजे मेरी क्लास जो है वो ट्यूजडे टू तु फ्राइडे रहती है सो so, ये पूरा शेड्यूल है ये पूरा शेड्यूल आपने ऑलमोस्ट देख लिया है आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे यहां से हम लोग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं चलो भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मस्कुलर डायफ्राम जस्ट अ मिनट मस्कुलर डाइफ्राम हेल्प टू मूव एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स मतलब ये आपके जो मस्कुलर डाइफ्राम होता है तो डाइफ्राम जो है वो आपको मदद करता है हवा के बाहर आने और जाने में ये नॉर्मली बेटा किस किंगडम के एनिमल में ऐसा हो पाएगा किसमें आपको लग रहा है कि डाइफ्राम है करिएगा आंसर गुड मॉर्निंग नमस्कार आ गए हैं बच्चे तुम लोग आ जाते हो तो खुशी आ जाती है ना ऐसा लगता है कि चलो आ गए नहीं तो लगता है कि अरे यार आज का सेशन लोग का छूट जाएगा ऑप्शन एम्फीबियन यानी कि उभयचर राजेश हैं डी यानी कि मेमल्स ठीक है लगाओ बेटा आंसर जरा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को मस्कुलर डायफ्राम जो होता है ये कह रहा है कि फेफड़ों की जो हवा है उसको बाहर और अंदर करने में मदद करता है किस प्रकार के जानवरों में 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 उभयचरों पक्षी वर्ग में या स्तनधारियों में कोई बात नहीं करेक्ट आंसर करते हैं एंड द अ राइट आंसर डी आपका जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें डी मतलब ये हो गया आपका कि मेमल्स जो होंगे यानी कि जो स्तनधारी होते हैं ना इन स्तनधारियों में आपको डायफ्राम इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है वैसे अगर मैं सही रूप से बोलूँ तो सुनना मुझे बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके बॉडी के अपर ऑर्गेन यानी कि ऊपर के जो अंग है और लोअर ऑर्गेन यानी कि नीचे के जो अंग है उनको डिवाइड करता है उनको विभाजित करता है ठीक है डाइफ्राम तो करेक्ट आंसर ये अच्छा मैमल्स यानी कि स्तनधारी किस उसमें आता है ये पूरे ना कॉर्डेटा है ये सब कॉर्डेटा में आते हैं ठीक है सब कॉर्डेटा के अंडर में आएंगे और अभी मैं आपको एंड में और बताऊंगी एक्चुअली मेमल्स भी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के मेमल है तीन टाइप के मेमल होते हैं प्रोटोथीरिया होते हैं मेटाथीरिया होते हैं यू होते हैं ये भी अभी अपन आगे चल करके बताते हैं एकदम से सब नहीं बता देंगे भड़बड़ आ जाओ तुम लोग ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के साथ इसको सबमिट करके और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है विच कंडम डज द मशरूम बिलोंग्स टू यानी कि इनमें से कौन से एक जगत से आपका मशरूम बिलोंग करता है फंगी यानी कि कवक प्रोटेस्टा यानी कि मोने प्रोटेस्टा मोनेरा प्लैंटी यानी कि पादप जगत करिए आंसर बेटा सही है फंगी लगा रहे आंसर काफी लोग बिल्कुल सही भी एक है फंगी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कवक यानी कि फंगी जो है उसके अंडर में मशरूम आता है या मशरूम वाला जो पार्ट है ये आपके बेसिकली कवक वाले पार्ट के अंडर में आएगा कवक बहुत सारे होते हैं ईडेबल कवक भी होते हैं ऐसा नहीं है कि कवक जो है वो खराब चीज है रोग ही फैलाता है नहीं खाने योग्य कवक भी जो है वो आपके पाए जाते हैं ठीक है सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा आपका एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड बहुत सुना होगा आपके ऑप्शन है बेटा फिश चिंपैंजी स्पैरो और ऑर्गिटन ओके okay. चिंपैंजी चिंपैंजी का ऑप्शन भी आ रहा है काफी लोगों का ठीक है कोल्ड ब्लडेड पूछ रहे हैं हिंदी बता देती हूँ मैं इसकी आपको लेकिन हिंदी बताएंगे तो आंसर टिक करना पड़ेगा है ना ठीक है कुछ लोग शिमपैन जी कह रहे हैं प्रिया एक्चुअली शिमपैन जी कह रही है ठीक है नहीं बेटा प्रिया करेक्ट आंसर होगा आपका फिश ठीक है इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बता दे रही हूं कि क्या होते हैं वॉर्म ब्लडेड क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड करके यहाँ देखेगा ध्यान से ठीक है यहां पे देखिएगा कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या होते हैं मैं ध्यान से बता रही हूं सुनिए एक बारी देखिए सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सिंपली बेटा आप उन एनिमल्स को कहोगे जिनमें जो टेम्परेचर होता है ना वो टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते यानी कि टेम्परेचर कैन नॉट मेंटेन वो अपने सराउंडिंग अपने चारों तरफ के हिसाब के हिसाब से जो टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन नहीं कर सकते और वार्म ब्लडेड कैन मेंटेन ये टेम्परेचर को जो है ना ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं ठीक है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये इनको जो एनर्जी मिलती है यानी कि जो ऊर्जा मिलती है वो अपने चारों तरफ से लेते हैं अपनी सराउंडिंग से जो है वो अपनी एनर्जी को ये लोग ले लेते हैं लेकिन वार्म ब्लडेड जो है ये जो एनर्जी ऑप्टेन करते हैं ये एनर्जी अपनी ये लोग ऑप्टेन है, करते हैं फूड से अब आपको हो सकता है इनमें से कुछ भी नहीं ज्यादा समझ में आयो तो मैं सबसे अच्छी चीज आपको बता देती हूं कि यहां पे एग्जाम्पल्स क्या होंगे तो यहां देखो अगर मैं कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल बोलूं तो कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स रेप्टाइल को हिंदी में बोलते हैं सरी इसके अलावा इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकौड़े कोल्ड ब्लडेड है फिश मछली कोल्ड ब्लडेड है एम्फीबियन उभयचर कोल्ड ब्लडेड है ठीक है और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं तो वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड पक्षी मैमल्स स्तनधारी यानी कि अपन लोग अपन लोग एनर्जी कहां से ऑप्टेन करते हैं खाने से ऑप्टेन करते हैं ना ठीक है या फिर स्पैरो जो भी आप बोलो उसमें अभी ठीक है अब देखो जैसे मछली आपका सही आंसर था क्योंकि मछली जो है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाएगा शिमपेन ये नहीं होगा बेटा क्योंकि ये मैमल्स में आता है ठीक है तो ये नहीं हो सकता गौरैया या स्पैरो ये आपके बर्ड्स में आती है यानी कि एवीस नहीं होगा ओटूंगा ये भी आपके मैमल्स में आता है किसको समझ नहीं आया बता दे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जिसको समझ नहीं आया वो बोल दे एक बारी आई होप सो यहां तक की कहानी क्लियर है अपन आगे बढ़ सकते हैं यहां से बढ़ जाए आगे चलो करेक्ट आंसर अगेन मैं क्लिक कर दे रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कृष्णा देव जी ओके समझ आ गया बोल रहा है इनमें से कौन सा एक संघ जो है वह सबसे बड़ा संघ है आपकी ऑप्शन है मुलस्का आर्थोपोडा मेमेरिया यानी कि स्तनधारी एनेलिडा यानी कि एनेलिडा हां हां राजेश जी यस करिए बट आंसर सूरज कह रहे हैं आर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट है ठीक है सही है करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्थोपोडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इसका हिंदी देख लो एक बारी हिंदी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आप, जो प्राणी संघ है वो सबसे बड़ा है तो आर्थोपोडा सबसे बड़ा हो जाएगा अच्छा मान लो वो पूछ लेते सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यानी कि दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछ लेते पहला तो आर्थोपोडा हो गया दूसरा पूछते क्या आंसर करते है? बताओ आर्थोपोडा बेटा सबसे बड़ा हो जाएगा क्रैप्स वगैरह सुने ये सब आर्थोपोडा में आता है सही है वेरी गुड मोलस्का हो जाएगा बहुत ही शानदार मोलस्का जो है वो आपके हो जाएगा क्या सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम या दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का पहला आर्थोपोडा आर्थोपोडा में क्रैप्स आते हैं मकड़ी आ जाएगा और ये अपने जितने भी मतलब जो आसपास कीड़े मकोड़े देखते हो ना वो सब आपके बी आ जाएगा हाउस फ्लाई आ जाएगा हनी बी हो जाएगा ये सब बेटा आपके आर्थोपोडा के अंडर में आते हैं क्लियर है वसन में आया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल मतलब इनमें से कौन सा एक संघ है जो मोतियों का निर्माण करता है करिए आंसर बेटा इंट दे दू चलो सूरज ने आंसर कर दिया वैसे अगर मैं दू तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर यानी कि मोलस्का इज अ राइट आंसर सो मोतियों का निर्माण कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्ल्स में कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा होता है तो याद रखो कैल्शियम कार्बोनेट 90 परसेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मोतियों में मिलता है कौन से लोग बनाते हैं, कौन से जानवर बनाते हैं मोलस्का बनाते हैं मोलस्का का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको मोलस्का का अच्छा एग्जाम्पल जैसे आप बोलोगे डेविल फिश है ना डेविल डेविल फिश का कॉमन नेम बताएगा कोई मुझे डेविल फिश का कॉमन नेम ऑक्टोपस सुने हो सुने ही होंगे ऑक्टोपस बेटा मोलस्का में आती है ऑक्टोपस सबने सुना होगा मछली नहीं है मोलस्का के अंडर जो है वो आपके ऑक्टोफिश आती है या फिर क्यूटल फिश सुने होंगे क्यूटल फिश ठीक है क्यूटल फिश भी बेटा मोलस्का में आती है ये भी मोलस्का का उदाहरण है क्लियर है ठीक है सीलेंट्रेटा जेली फिश जेली फिश बेटा सीलेंट्रेटा में आती है लिखते रहो ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस ठीक है इकाइनोडर्मेटा स्टैक फिश का नाम सुनो स्टैक फिश स्टैक फिश बेटा इकाइनोडर्मेटा के अंडर में आती है ठीक है क्लियर है कहानी चलो अपन आगे बढ़ेंगे ये पूरी जितनी कहानी जो हम लिख रहे हैं यहाँ वो आप भी लिख लो ठीक है वही है सी प्रिया उसी को कहते हैं सीप बेटा मुलस्का के अंडर में आता है चलो सबमिट कर रही हूँ अगेन मुलस का आंसर कर दिया ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी भी है अर्थ वॉर्म यानी कि कोई केचुआ और लीच लीच पता है सबको है ना बिलोंग्स टू विच केचुआ और लीच जो है ये बेसिकली आपके किस संघ से संबंध है आर्थोपोडा एनेलिडा है और कॉर्डेटा आर्थोपोडा आ रहा है ठीक है लीच बेटा सोचो आर्थोपोडा कैसे केचुए का स्ट्रक्चर देखे हो ना बॉडी सेगमेंटेड होती है क्या आर्थोपोडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है आर्थोपोडा के जानवर क्या इस तरीके से खंडित होते हैं सोचो करो आंसर सुष्मिता वे नाइज अप्रोच फॉर द क्वेश्चन करेक्ट आंसर एनेलिडा इज द राइट आंसर बेटा जब भी बॉडी खंडित हो जब भी बॉडी सेगमेंटेड हो है ना तो वो जानवर जो है वो आपके एनेलिडा में आते हैं का टाइटल नेम बताओ कब पहचान पाओगे आर्थोपोडा आप पहचान पाओगे जब वो बोले ज्वाइंट लैग जॉइंटेड लैग ये होती है आर्थोपोडा की पहचान अगर किसी जानवर में आपको उसके पैर चिपके हुए दिख रहे हैं ज्वाइंटेड दिख रहे हैं तो वो आर्थोपोडा है ठीक है है क्लियर हाँ ये चैप्टर कम ही थोड़ा समझ में आता है इसीलिए मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं कि शायद आपको यहां से कुछ चीजें समझ में आ पाए ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे करेक्ट आंसर अपन ने आंसरिडा किया था एनलेडा ही करेक्ट आंसर कर देंगे यहां पर भी कर देंगे भैया चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर विच अमंग द फॉलोइंग फिश डज नॉट हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताओ दिमागी नहीं है कौन सी मछली कौन सी ऐसी मछली जिसमें दिमाग नहीं होता डॉग फिश क्यूडल फिश जेली फिश स्टार फिश जेली फिश आ रहा है ओके आज कीर्ति नहीं आई है क्या कीर्ति मे बी सी ठीक है कृष्णा देव जी आंसर ए आ रहा है यानी कि डॉक फिश नहीं करेक्ट आंसर जेली फिश इज अ राइट आंसर जेलीफिश में दरअसल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके नहीं पाया जाता अच्छा जेलीफिश कौन से फाइलम को बिलोंग करती है सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा को बेटा जेली फिश जो है वो आपके बिलोंग करती है डॉग फिश एकमात्र फिश है जो मैमल्स में आती है डेटा वाले फाइलम के अंडर में ये प्रॉपर आएगी ठीक है या फिर क्यूटल फिश में आपको बता चुकी क्यूटल फिश बेटा आ, ठीक है क्यूटल फिश जो है वो आपकी आ जाएगी मोलस्का में ठीक है स्टार फिश बहुत क्वेश्चन आता है स्टार फिश किसमें आती है इकाइनोडरमेटा में ठीक है नमक रहा है समझ में आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट कि मैं अभी इतनी जल्दी जल्दी लिखती जा रही हूँ पता ही नहीं चल रहा है अभी एंड में फॉल्स फिश की एक लिस्ट दे दूंगी फॉल्स फिश की एक लिस्ट दे, दे देंगे लेकिन एंड में ठीक है अभी से मत मांगना ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर लोकस्ट uh, बटरफ्लाई स्कॉर्पियन एंड प्रॉन्स एग्जाम्पल ऑफ विच कि टिड्डा, बटरफ्लाई यानी कि यानी कि बिच्छू और जो प्रॉन्स होते हैं ये किस संघ में आते हैं सुष्मिता ने बहुत जल्दी आंसर किया ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया इन्होंने करो आंसर वेरी गुड राजेश सही है करेक्ट है करेक्ट uh, आंसर सही है आर्थोपोड आपका करेक्ट आंसर होगा ये सब ज्वाइंट लेग में आ जाते हैं ठीक है हाउस फ्लाई आ जाए इसके साथ हाउस फ्लाई जो मक्खियां उड़ती है ना घरों में वो हनी भी आ जाए मधुमक्खी आ जाए सब कोऑर्डिनेटा में आएंगी ठीक है फ्लैटी हेलमिंथीज चपटे होते हैं ये चपटे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इनका मतलब ऐसे चपटे से भी नहीं होती आ, पत्ती होती ना वैसे एनिमल मिलते हैं है तो है। ठीक है एग्जाम्पल मैं इसलिए ज्यादा दे रही हूं क्योंकि अपन को यारोडामोलस तो का तो नहीं चमक पाएगा लेकिन लीच बोल देंगे समझ जाओगे मधुमक्खी बोल दोगे समझ जाओगे है ना तो इसीलिए ज्यादा एग्जाम्पल दे रही दू एनिमल किंगडम जब भी पढ़ने बैठो एग्जाम्पल के साथ ट्रीट करना आपको जल्दी चैप्टर समझ में आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डर्स स्किन वर्क एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ठीक है इनमें से कौन से फाइलम के जो है इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी त्वचा एक्चुअली स्वशन तंत्र के रूप में या श्वसन अंग के रूप में काम करती है आपके ऑप्शन है कॉकरोच मेंढक वेल या डॉगफिश राजेश कह रहे हैं ए कॉकरोच अच्छा कॉकरोच की स्किन टाइटन की बनी होती है कई बार बताया ऐसे मारोगे तो कट्ट से आवाज आती है काइटिन की स्किन बेटा काइटेन जो है वो रेस्पिरेटरी की तरह काम नहीं करता वेल मछली नहीं गलत अभी नहीं आया है सही उत्तर सुष्मा जी बहुत सोच के आंसर कर रही हैं और बहुत परफेक्ट टाइम है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी फ्रॉग इज द राइट आंसर ठीक है मेंढक हो गया तोड़ हो गया, ये सब अपने स्किन से सांस लेने का काम करते हैं करेक्ट आंसर भी आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैट वॉर्म चपटा क्रमी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलिंग फ़ाइलम। अभी बताया था लगाओ सभी सही उत्तर फ्लैट वम उलस्का से कॉर्डेटा से नेटोफोआ से या फिर प्लेटी से वेरी गुड सही है बहुत शानदार प्लेटी मतलब प्लेट प्लेट कैसी होती चपटी, चपटी, यानी कि वो। ये कनेक्ट करने का तरीका है कैसे भी कनेक्ट कर लो आप लोग करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी ठीक है वेरी नाइस nice, बहुत सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा रहा है विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल विच क्लास हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल फिश यानी कि मछली रेप्टाइल्स यानी कि सरी इंसेक्ट यानी कि की कीड़े मकौड़े मैमल्स यानी कि स्तनधारी फिर से सोच लो धरती पे कीड़े मकोड़े ज्यादा हैं या स्तनधारी ज्यादा है ओके लोकेश मीना इंसेक्ट आर्थोपोडा बहुत बढ़िया करेक्ट है इंसेक्ट इज अ राइट आंसर ये एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा उन्होंने यहां पे आपको उन्होंने आर्थोपोडा नहीं दिया बल्कि उसका एक उदाहरण इंसेक्ट दे दिया समझ में आया तो अगर आर्थोपोडा है तो भी लार्जेस्ट आएगा इंसेक्ट है तो भी लार्जेस्ट आएगा और सेकेंड लार्जेस्ट में आपको बता चुकी हूं मैमल्स सेकेंड सॉरी मोलस्का का सेकेंड लार्जेस्ट होता है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गुड मॉर्निंग लोकेश जी कैसे हैं आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल इनमें से कौन सा एक जानवर जो है वो स्तनधारी है डक यानी कि बतख रैबिट यानी कि खरगोश फ्रॉग यानी कि मेंढक और फिश यानी कि मछली श्योर राजेश जी आई विल एक्सपेक्ट कुछ लोग रैबिट कह रहे हैं अच्छा डक क्यों नहीं हो सकता डक डक क्या है फिर ये तो बता दो डक क्या है आंसर तो सही है तुम लोग का रैबिट वो देखो किसी ने उन्हें हटा दिया आंसर रैबिट सही है करेक्ट है डक एक्चुअली बेटा एवीस में बर्ड है है ये वर्ड है बिल्कुल सही है ये एवीज में आता है है ना इसलिए नहीं होगा ये तो आपको पता ही है एम्फीबियन में आता है फिश आपका पेसिस में आता है तो ये तो करेक्ट आंसर आपका रेबिट हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी बहुत सही अपने आंसर को जस्टिफाई जरूर किया करो आ, यहां पर नहीं कमेंट बॉक्स में नहीं लेकिन सोचा करो कि क्यों मैंने ये आंसर लगाया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे मैडम इतना टाइम किस पे है पर कर लेना ऐसा आगे काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग फॉलोइंग हैज अ सेगमेंटेड बॉडी चलो अभी समझाया था इनमें से किसमें एक सेगमेंटेड बॉडी होता है सेगमेंटेड का मतलब ये इस तरीके से प्रिया समझ में आ रहा है आपको है एनिमल किंगडम अच्छा समझ पा रहे हो मुझे ऐसा लग, लग रहा है सही करेक्ट आंसर एनेलिडा इज राइट आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एनेलिडा जो है इसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है है ना तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सीलेंट्रेटा दे दिया क्या एक मिनट रुको सिलेंड रेटा दे दिया है कोई बात नहीं आ, इसको नेक्स्ट में कर लेते हैं अपन एक मिनट रुकिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवॉ हिरोनोडेरिया यानी कि जो लीच होती है या आपके इनमें से किसके एक फाइलम्स है सिर्फ आपको एग्जाम्पल है ओके okay. ठीक है सही करेक्ट आंसर इज़ द राइट आंसर अगेन दीज आर द एग्जांपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लोर विथ शालिनी जी आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए शालिनी जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडेट कॉर्डेटा कौन सा नहीं है इसमें से जब भी आप पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लेते हो उसके लास्ट का एक फाइलम आता है कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड होती है मेनली स्टारफिश, डॉल्फिन शार्क स्नेक स्टारफिश ठीक है स्टारफिश का फाइलम बोलो जरा स्टार फिश का फाइलम शुरू में बताया था मैंने स्टार फिश का फाइलम बताइए नॉट करेक्ट है इकाइनो सही है लोकेश जी है ना इकाइनो आपका जो है वो स्टार फिश का फाइलम होगा और इसलिए ये सब ये कॉर्डेटा के अंडर में नहीं आता करेक्ट है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगेन इस पे क्लिक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अनसेगमेंटेड सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि खंडित नहीं होगा और खोखला होता है परी आंसर एनिलिडा मुलस्का आर्थोपोडा थोड़ा टफ है ओके मुलस्कार है काफी लोग आंसर सही है करेक्ट आंसर मोलस्का इज द राइट आंसर मोलस्का के जो एनिमल्स होंगे वो आपके सिंपली ऐसे होते हैं कि जिनमें जो बॉडी है वो खोखली अनसेगमेंटेड होती है करेक्ट आंसर भी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिलेक्ट द करेक्ट पेयर आपको पेयर करेक्ट करना है आर्थोबोडा सिल्वर फिशिस जेली फिश इकाइनोडर्मेटा क्यूडल फिश और मोलस्का स्टार फिश सही आ, टिक करना है सिल्वर फिश आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी दीवार वगैरह पे ऐसी रहती है मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूं इसको सिल्वर कलर में रहती है ऐसे ग्रेश कलर में रहती है अधिकतर दीवारों के जो कोने होते हैं ना उसमें चिपकी रहती है सिल्वर फिश रजत मछली कहते हैं इसको हिंदी में क्या ये आरतू में आती है सत्रह का मेवी सी काइनोडर्मेटा क्यूडल फिश ये सही है ये करेक्ट बता रहे हो तुम लोग अच्छा और लगा लो जरा दिमाग फिर क्यूटल फिश बेटा मोलस्का में नहीं आती है हमने तो तुम लोगों को मोलस्का बताया था मैं ऐसा याद है हैं? हाँ सुष्मिता जी सही हो आर्थोपोडा सिल्वर फिश आर्थोपोडा सिल्वर फिश जो है ना ये आर्थोपोडा के अंदर आती है जेलीफिश नहीं आएगी बेटा जेलीफिश अगर लगाना है तो सीलेंट्रेटा होता तो लगा सकते थे सीलेंट्रेटा में आती है जेलीफिश क्यूटेल फिश, फिश मोलस्का के अंदर में आती है ठीक है स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है रट लो इसको रट सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फॉल्स फिश पर और एसएससी तो भर के क्वेश्चन देता है फॉल्स फिश पर ठीक है, चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर्थोपोडा सिल्वर फिश चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है ये सही वाले नोट कर लेना एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल्स जो ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में ये इनमें से किसकी उत्सर्जी अंग है एनेलिडा की, की, प्लेटे सेल, ज्वाला कोशिका जैसे आर्थोबोडा में सुना होगा शायद कभी ग्रीन ग्लैंड सुना है ग्रीन ग्लैंड ये बेटा आर्थोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ही बोल रहे फ्लेम फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है करो जल्दी आंसर प्लेटी हेलमेथिस का बतिया लो तुम लोग कमेंट बॉक्स में है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेटी हेलमेंथिस का लोकेश जी गड़बड़ हो गया करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी फ्लेम सेल प्लेटी हेलमेंथिस के के में आती है प्लेटी हेलमिंथीज जैसे आपका ब्लड फ्लू है ना ब्लड फ्लू प्लेटी हेलम का उदाहरण है समझ में आया चलो और बातें जरा कम करो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रोटोजुआन आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम प्रोटोजुअन परजीवी जीवी सुना बताओ कितने किंगडम में क्लासिफाई है एनिमल किंगडम की शुरुआत ही बेटा यहां से होती है कितने नहीं कौन से पूछ रहा है वो अच्छा लगाइए आंसर प्रोटेस्टा ठीक है सही है करेक्ट आंसर प्रोटेस्टा इज राइट आंसर तो प्रोटोजन जो, जो है वो आपके प्रोटेस्टा में आगे जाके डिवीज़न देते करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन सही है लोकेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर द टर्म प्रोटेस्टा में कैसे एनिमल आते हैं एक कोश या फिर बहु कोश ठीक है ये टर्म जो था ना ये किसने दिया था अर्नेस्ट हेकले ने चार्ल्स डार्विन ने या फिर प्रांटी और एंग्लर ने या फिर ईश्वर ने सही आंसर प्रोटेस्टा टर्म किसने दिया था हाँ। ठीक okay. है? हेलो 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 सी आर जी कैसे हैं? बेटा प्लीज क्लास का टाइम नोट करके रखो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम लोगों से अब क्लास का टाइम 11 बजे का है ट्यूसडे टू फ्राइडे जल्दी मैं इसको मंडे टू फ्राइडे कर दूंगी डोंट वरी अबाउट इट लेकिन अभी फिलहाल ट्यूसडे टू फ्राइडे ग्यारह बजे है सुबह थोड़ा टाइम पे आया करो यार करेक्ट आंसर हेकले इज अ राइट आंसर हेकले जो है इन्होंने आपके सबसे पहले ये टर्म यानी कि प्रोटेस्टा टर्म जो था वो दिया था करेक्ट आंसर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेडेमोनास एंड कॉलेरा आर इंक्लूडेड इन क्लैडोनास का नाम सुना होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा ये भी बता दो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता दूंगी एल की आंसर आ रहा है ओके okay. और कोई नहीं प्रोटेस्टा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा आर एच विटकर ने दिया था प्रोटेस्टा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग किंगडम हैज हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम इन बेसिक इसमें केवल एक कोष किया होता है एनिमल सी अरे वाह प्रिया बहुत जल्दी करेक्ट आंसर मोनेरा एंड राइट आंसर ऑप्शन सी इसमें आपके ज्यादातर एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं एक कोश के यूनिसेलुलर मतलब एक कोश के करेक्ट आंसर यहाँ पे दे दिया है ये वाला भी दे, दे देते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल ऑफ विच फाइलमटेड लेग आई होपो गलत नहीं करोगे मैं बता चुकी थी पहले ही इनमें से किस एनिमल के ज्वाइंटेड लेग जुड़े हुए पैर होते हैं एक पहचान बताई थी नाइए वेरी गुड करेक्ट आंसर आर्थो बोडा सा राइट आंसर आर्थोपोडा में जितने जो एनिमल्स होंगे ना बेटा उनमें हमेशा लेग जो है वो जॉइंटेड होते हैं अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ थ्री पेयर ऑफ लेग मिलेगा टू पेयर ऑफ लेग मिलेगा फोर पेयर ऑफ लेग मिलेगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ लिखना है इसको देखिएगा एक बारी हाउस फ्लाई ठीक है इसके अलावा जैसे कॉकरोच ठीक है इसके अलावा जैसे मस्केटो या मच्छर कह लीजिए या फिर बटरफ्लाई कह लो तितली ठीक है आ, या फिर हनी भी कह लो हनी भी यानी कि मधुमक्खी इनमें अगर आपसे कभी भी पूछे कि बताइए कितना जोड़ी पैर जो है वो इनमें पाया जाता है तो आंसर करोगे थ्री पेयर किस किस में बोला मैंने उसफ्लाई यानी कि मधुमक्खी कॉकरोच मच्छर मधुमक्खी तितली इन सब में तीन जोड़ी पैर यानी कि छह पैर जो है वो आपको उसमें मिलते हैं, जबकि स्पाइडर यानी कि मकड़ी और स्कॉर्पियन केकड़ा ठीक है इनमें जो है ना वो आपको हमेशा फोर पेयर ऑफ फ्लैक समझ आ रहा है यहां से क्वेश्चन बेटा उठता है प्लीज नोट कर ले क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग एनिमल सॉरी मैमल्स ज्यादातर मैमल्स जो है स्तनधारी जो है वो बच्चे पैदा करते हैं लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अभी मैं दे दूंगी वो अंडे भी देते हैं अब आपको बताना है कौन सा ऐसा जो अंडे देता है डोंट फर्गेट टू डाउनलोड दाइव ऐप ऑलरेडी एस एस सी सीपीओ की बुक लॉन्च हो चुकी है एस एस सी सीपीओ की बुक को एक बार एप पर जाकर प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आ, लोकेश जी बहुत सही करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ आ जाए जाए ठीक है स्पाइनी एंड आंट आ जाए स्पाइनी एंट ये बेटा ऐसे स्तनधारी है ऐसे मेमल्स है जो अंडे देते हैं ठीक है ठीके? अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बताने जा रही हूं नोट करिएगा इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से याद देखिएगा ओके, okay. so, जो डिस्क्रिप्शन है ऐसा है कि जो मैमल्स होते हैं वो मैमल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोटोथीरिया एक होता है मेटाथीरिया और एक होता है यूथेरिया ठीक है तीन प्रकार के स्तनधारी है तीन प्रकार के मेमल्स है जो आपके रहेंगे जो प्रोटोथिरिया होते हैं ना ये होते हैं बेटा एग लाइन यानी कि ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उनको प्रोटोथीरिया कहते हैं इसी में आपके ये प्लेटेपस ये डकबिल है ना और स्पाइनी एंट वगैरह आते हैं मेटाथिरिया जिनके बॉडी में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि थैली लगी होती है और थैली से अब आप समझ गएगे जैसे कंगारू या कैंग ठीक है ये आपका हो जाएगा मेटाथीरिया यूथ एरिया सबसे अव्वल दर्जे का स्तनधारी यानी कि मेमल्स के कंडीशन में जो है वो आपके आता है जिसमें आपका एलिफेंट ले लो लाइन ले लो एलिफेंट ले लो या फिर ह्यूमन ले लो ये सब बेटा यूथ एरिया क्योंकि ये बच्चे पैदा करते हैं समझ में आया तो तीन प्रकार के स्तनधारी आपके ये हैं रहेंगे क्लियर है आ, रहे रहे? समझ आ गया चलिए सो so, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसको प्लीज नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है प्रोकैरियोटिक्स बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोकैरियोटिक्स सबने सुने होंगे प्रो कैरियोटिक जो है वो आपके बेसिकली जगत से मिलते हैं प्रो कैरियोटिक जिनमें केंद्रक आपके डेवलप नहीं होता वो आपके प्रो कैरियोटिक के अंदर मोनेरा उसका सबसे अच्छा उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रेपटाइल इनमें से कौन सा एक वर्टिब्रेड यानी कि कशेरुकी ठीक है आ, कौन सा वर्टिब्रेट जो है वो आपका रेप्टाइल यानी कि सरी सर्प नहीं है प्रोकोडाइल पेंगुइन या टर्टल अच्छा पेंगुइन बड़ी जल्दी आंसर आ गया करेक्ट है पेंगुइन इज द राइट आंसर सो पेंगुइन जो होता है ये आपके बेसिकली रेप्टाइल नहीं है लेकिन वर्टिब्रेट के अंडर में आता है कोई मुझे बता पाएगा फिर पेंगुइन आता किसमें है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पर मुझे कोई भी बता दे कि पेंगुइन फिर किस में आता है आंसर तो सही लगाया एवीज में ओके सही है चलिए आगे बढ़ते हैं लोकेश जी बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एनिमल फ्रॉम क्लास डैश आर वॉर्म ब्लडेड अरे रे बहुत शुरू में हमने समझा दिया था कि वॉर्म ब्लडेड क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं आई होप अब तुम लोग गलत ना करो वार्म ब्लडेड बेटा जो अपने आसपास के हिसाब से अपने शरीर का टेम्परेचर बदल लेते हैं मेंटेन कर लेते हैं उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं या फिर जो एनर्जी फूड से लेते हैं भोजन से ऊर्जा लेते हैं उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं सही एवीज इज अ राइट आंसर एवीज हो गया या अगर यहाँ पे जैसे बर्ड्स भी आ जाता ना तो भी सही है तो एवीज हो गया या फिर मैमल्स हो गए ये सब आपके क्या होंगे वार्म ब्लडेड एनिमल के अंडर में ये आते हैं कोल्ड ब्लडेड में रेप्टाइल आ जाएंगे फिश आ जाएगा एम्फीबियन आ जाएंगे ये सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं ठीक है करेक्ट आंसर आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूंगी जल्दी ही वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड पर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करते नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है, से कौन सा एक phylum जो है वो इकाइनो डरमेटा वाली फाइलम से बिलोंग करता है बहुत बार बता दिया है यार अब तुम लोगों को ये बोलो अब जल्दी हम कई बार बोल चुके हैं जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टार फिश इज अ राइट आंसर तो स्टार फिश जो होगा ये आपके आइनो के अंडर में आता है फॉल्स फिश अभी मैं एंड में बता दे रही हूं आ, घबराना नहीं अभी जस्ट बताती हूँ क्रे फिश बिलोंग्स टू क्रे क्रे फिश बिलोंग्स टू क्रे पूछ ले या फिर सिल्वर फिश पूछ ले आंसर आर्थोपोडा ठीक है सही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्थोपोडा क्रे फिश बेटा आर्थोपोडा से बिलोंग करती है ठीक है लास्ट क्वेश्चन उसके बाद सारी फॉल्स फिश की लिस्ट बताने जा रही हूँ बने रहना लास्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड हमारे नेशनल बर्ड का साइंटिफिक नेम बताओ जब तक आप ये बताओ जब तक मैं यहाँ पे फॉल्स फिश लिख दे रही हूँ जल्दी से फॉल्स फिश मतलब झूठी मछली ठीक है तो अब जेली फिश याती आती है बेटा सीलेंट्रेटा में ठीक है क्रे फिश या फिर सिल्वर फिश ये आती है आर्थोपोडा में इस क्वेश्चन को तब तक सबमिट नहीं करेंगे जब तक ये आप लिखना लो अदरवाइज सबमिट करेंगे तो ये चला जाएगा ठीक है क्यूटल फिश इसको सेपिया भी कहते हैं क्यूटल फिश हो गया डेविल फिश हो गया या आता है मोलस्का में ठीक है स्टार फिश या आता है इकाइनो में ओके okay. ये हो गए आपकी सारी फिशेस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्रिस्टस है क्योंकि ये आपके पीकॉक का साइंटिफिक नेम है फॉल्स फिश प्लीज लिख लें जेली फिश सीलेंटरेटा क्रे फिश और सिल्वर फिश आर्थोपोडा ट्यूटिल और डेविल डेविल मतलब ऑक्टोपस ठीक है ये मोलस्का में स्टार फिश इकानोडर्मेटा में अगर ये याद कर लिए एनिमल तो किंगडम के 40 परसेंट क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनता है ठीक है समझ आ रहा है नोटेड ओके नोट कर लो स्क्रीन ले लो जो तुम लोग को सही पढ़ रहा हो वैसा कर लो और नेक्स्ट क्लास होगी कल ग्यारह बजे टॉपिक आपका जो है वो ह्यूमन डिसीज का रहेगा यानी कि आपके आ, मानव आ, जो रोग है उसका टॉपिक आपका रहेगा मेरी क्लास के जस्ट बाद होगा मैथ्स का क्लास यानी कि 12 बजे तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में ए एम जी आज आप बहुत लेट आयो बहुत लेट क्या क्लास खत्म हो रही है और आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है, है ना गुड आफ्टरनून हो गया चलो मेरी क्लास गुड मॉर्निंग पे होती है और गुड आफ्टरनून पे खत्म होती है यानी कि ग्यारह बजे स्टार्ट होती है और बारह बजे खत्म होती है चलिए मिलते हैं आप सभी से कल फिर से इसी टाइम यानी कि ग्यारह बजे तब तक ख्याल रखिए प्रिपरेशन करते रहिए बाय बाय जय हिंद And vibing. We believe in you.